बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले नियत करें, नियत ये है, ईद अल फितर की दो रकात वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ। मैं वासिते अल्लाह ताला के, मुंह मेरे काबे की तरफ, पीछे इस इमाम के। कानों तक हाथ उठाकर बांध ले, इमाम और मुक्तदी दोनों सना पड़े, यानी सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जिद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पड़े। फिर सना के बाद 3 जायद तकबीरें हैं। अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दे, फिर दूसरी तकबीर के लिए हाथ उठाकर छोड़ दे, फिर तीसरी तकबीर के लिए हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। फिर इसके बाद इमाम साहब बुलंद आवाज़ से सूरत फातिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन आमीन तक, और इसके साथ कोई और सूरत पढ़ेंगे, और मुक्तदी खामोशी से सुनते रहे। फिर इसके बाद रुकू करें जिस तरह आम नमाजों में होता है, यानी सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार कम से कम पढ़े, और रुकू के बाद सिजदे में जाए और 2 सिजदे करे। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाए। सबसे पहले इमाम साहब बुलंद आवाज़ से फातिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और इसके साथ कोई और सूरत पढ़ेंगे, और मुक्तदी खामोशी से सुनते रहेंगे। जब इमाम साहब सूरत फातिहा और सूरत पढ़े तो इसके बाद 3 जायद तकबीरें पढ़ेंगे रुकू जाने से पहले। रुकू जाने से पहले 3 जायद तकबीरें। सबसे पहले अल्लाहु अकबर पढ़कर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर पढ़कर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ेंगे, फिर तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़कर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ेंगे, और फिर रुकू जाने के लिए अलैहिदा यानी अलग अल्लाहु अकबर पढ़कर रुकू के लिए जाएंगे, और रुकू के बाद सिजदा और बाकी मामूल के मुताबिक जो नमाज हम पढ़ते हैं इस तरह पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।